गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 द टॉकिंग केव कंप्लीट कर लिया था। हमने बोलने वाली गुफा के बारे में पढ़ा था। हमने बुक वर्क कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में। आज हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैंने आपको सी और डी ड्रॉप करवाया था। आज हम सी करते हैं, कल हम डी करेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है बच्चों चैप्टर का नंबर, चैप्टर 5, चैप्टर का नेम द टॉकिंग केव, ठीक है, बोलने वाली गुफा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये लाइन सबको लिखनी है और सबको अच्छी राइटिंग में वर्क करना है, ठीक है बच्चों? चलिए, व्हाई वॉज द लायन हंगरी, क्वेश्चन नंबर 1। जो शेर था वो भूखा क्यों था? द लायन वॉज हंगरी बिकॉज, शेर भूखा इसलिए था क्योंकि ही कुड नॉट फाउंड नो एनिमल टू किल एंड ईट, क्योंकि उसको कोई भी जानवर मार कर खाने के लिए नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत भूखा था। उसे कोई नहीं मिल रहा था, उसी की तो वो तलाश कर रहा था कि उसे कोई मिले और वो उसे खा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, व्हाई डिड द जेकाल कम टू द केव, जो सियार था, जो जेकाल था, वो गुफा में क्यों आता था, गुफा में क्या करने आता था वो? द जेकाल केम टू द केव फॉर स्लीप, जो जेकाल था वो क्या करने आया करता था, सोने के लिए, स्लीप, ठीक है। चलिए, वॉट डिड ही सी आउटसाइड द केव, उसने, किसने, जेकाल ने गुफा के बाहर क्या देखा था, क्या देख के वो रुक गया था? ही सा, उसने देखा था, सम फुटप्रिंट्स, कुछ पैरों के निशान, आउटसाइड द केव, गुफा के बाहर उसने कुछ पैरों के निशान देखे थे, ठीक है बच्चों? फोर्थ क्या है, Why did the lion roar loudly? जो शेर था वो तेज, एकदम बहुत ज़्यादा भयानक रूप से गुर्राया क्यों था? The lion roared loudly, जो शेर था वो गुर्राया जोर से क्योंकि, because he thought, उसने सोचा, that Jekyll would really go away, अगर वो घुर्राया नहीं, उसने आवाज़ नहीं की, तो जो जेकाल है वो क्या होगा, वो चला जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट रिप्लाई, अगर उसने जवाब नहीं दिया उसका, तो जेकाल चला जाएगा, और जेकाल चला गया तो वो किसे खाएगा? तो इसलिए जो लायन है वो क्या करता है, वो ज़ोर से दहाड़ता है जब जेकाल बोलता है कि गुड इवनिंग, अगर गुफा तुमने मुझे आवाज़ रिप्लाई नहीं दिया तो मैं दूसरी गुफा में चल जाऊँगा। अब उसमें क्या है, शेर में दिमाग नहीं होता है कि ये जेकाल की ट्रिक है ये पता करने की कि अंदर कौन है, है ना, और वो बेवकूफ बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। Who was inside the cave? गुफा के अंदर कौन था, कौन गया था गुफा ढूंढते ढूंढते किसी का शिकार करने? Lion was inside the cave, शेर था गुफा के अंदर। अब देखिए, Who was clever? चालाक कौन था, द लायन और द जेकल, शेर था या सियार था? इसमें यूँ नहीं पूछा है बच्चों कि क्यों था, इसमें सिर्फ ये पूछा है हाँ या तो लायन था या जेकल था, कौन था, तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट और क्लेवर कौन निकला, द जेकल वॉज क्लेवर। सियार जो था वो चालाक निकला, क्योंकि उसने क्या करा, अपने दिमाग लगाकर, अपनी ट्रिक्स लगाकर अपनी जान बचाई, और वो हंसते हंसते शेर की मूर्खता पर हंस के वहाँ से चला गया, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारा सी हो गया है। अभी डी में भी आगे क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ आज ये करिए, 6 क्वेश्चन आंसर्स, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, होमवर्क सेक्शन में। इसे अच्छी राइटिंग में करिए बच्चों, और स्पेलिंग सही लिखिए, ठीक है, थैंक यू।